अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमेर, आप देख रहे हैं टेक्टोक उर्दू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम ईमेल स्पैमिंग के बारे में बात करेंगे और बात करने वाले हैं कि किस तरह आप ईमेल स्पैम से बच सकते हैं, स्कैम से बच सकते हैं। एक्चुअली स्कैम के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, सॉरी मैंने स्पैम बोल दिया, स्कैम के बारे में बात करेंगे और मैं आपको गाइड करूंगा कि आप स्कैम से कैसे बच सकते हैं। यार ईमेल स्कैमिंग काफी पॉपुलर है, ठीक है, एक स्कैम का तरीका है। ईमेल स्कैम के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ईमेल स्कैम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है। और इसमें ऐसा स्कैम होता है कि इंसान को समझ नहीं आती कि उससे हुआ गया, मतलब बिल्कुल डिटो कॉपी वेबसाइट की होती है। आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ही ओरिजिनल है, लेकिन एक्चुअल में वो स्कैम निकल आता है। तो मैं आज इसी बारे में बात कर रहा हूँ, छोटी सी वीडियो होगी, सिंपल ट्रिक्स है। आपको मैं अपने डिस्प्ले के ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो डिस्प्ले के ऊपर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक ईमेल खोली हुई है, ये ओरिजिनल ईमेल है, ये स्कैम नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ईमेल, यहाँ पर आपको ईमेल नोट करनी है, ठीक है, कि जो आपको ईमेल कर रहा है आप देखना चाहते हो वो स्कैम है या ओरिजिनल है। तो आपको ईमेल देखनी है उनकी और थोड़ा अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल आपको ब्रिंकिस की तरफ से एक ईमेल आती है और वो आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल है, ये कोई स्कैम ईमेल नहीं है, ना ये कोई स्कैम करते हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। क्योंकि लास्ट डेज में मुझे भी कई ईमेल रिसीव हुई जो स्कैम ईमेल थी, अनफॉर्चुनेटली मैंने वो डिलीट कर दी, नहीं तो मैं आपको जरूर दिखाता। अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस है कि भाई स्कैम ईमेल आया ना तो हम उसको खोलते नहीं है, मतलब स्कैम ईमेल को देख के पता चल जाता है कि वो स्कैम है, तो इतना एक्सपीरियंस हुआ है। खैर, तो सबसे पहले आपको करना क्या, फॉर एग्जांपल आपको ये स्कैम ईमेल आई है और आप वेरीफाई करना चाहते हैं, आपका हो सकता है कोई अकाउंट नंबर मांग रहा हो, कोई चीज मांग रहा हो, तो पैसे देने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपको वेरीफाई करना है। आपको यहाँ पर एक सिंपल सा जो है वो छोटा सा एरो नजर आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर इनकी ईमेल आईडी देखनी है, ठीक है, ये चीज पढ़नी है आपने, आपने ये चीज पढ़नी है, टाइमिंग पढ़नी है, साइन बाय ये चीज पढ़नी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको ब्लिंकलिस्ट ने यहाँ पर ईमेल किया, तो आपने सबसे पहले इनका ईमेल फाइंड करनी है कि इनकी ईमेल आती कैसी है। उसके लिए आपको करना है ईमेल आईडी ऑफ जो भी कंपनी होगी उसका नाम लेके आपको ऐसे सर्च कर लेना है, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इनकी ईमेल आईडी support@blinkist.com की तरह होती है, यानी कि कुछ इस तरह से होती है। @gmail नहीं होता, @yahoo नहीं होता, @outlook नहीं होता इनकी ईमेल आईडी, जो ओरिजिनल इनकी ईमेल आईडी कुछ ऐसे होती है। तो एक चीज तो आपको यहीं पर कंफर्म होगी, फिर आपने वापस जाना है, ठीक है, यहां से आपने एक चीज कंफर्म कर ली कि भाई ये देखो @blinkist आया है, तो मे बी दिस इज ओरिजिनल बट अभी भी नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ आपने जाना है, यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर चले जाना शो ओरिजिनल के ऊपर। आप शो ओरिजिनल के ऊपर जैसे जाओगे एक पेज ओपन हो जाएगा, पेज कुछ आपको काफी ज्यादा डिटेल्स दे रहा है, आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस तक भी मिल रहा है, ठीक है। आपने एक तो देखो डिलीवर टू हुआ मेरी आईडी के ऊपर, कुछ चीजें यहाँ पर पढ़नी है आपने। अब जो इतना बड़ा पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है, जो लाइन नजर आ रही है, आपने ये पढ़नी नहीं है, आपने नीचे करके यहाँ पर वेबसाइट्स के लिंक ढूंढने। अब जिस तरह लिखा हुआ blinklist.com, तो आपको फिर इनकी वेबसाइट भी चेक करनी, कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है, आपको उनकी वेबसाइट जो है वो चेक करनी है कि एक्चुअल वेबसाइट क्या यही एड्रेस है वेबसाइट का, जिस तरह आप देख सकते हो blinkist.com है और यहाँ पर भी वही है। तो एक और पॉइंट आपको मिलेगा कि ये ओरिजिनल ही लग रही है मुझे, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ी और चीजें पढ़नी है, यहाँ पर बार बार इन चीजों को ढूंढना है, तो इस चीज से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये स्कैम नहीं है बल्कि ये एक ओरिजिनल वेबसाइट है। कोई भी आपको ईमेल आती है कि ये काम है दुबई के अंदर, यहाँ पर अप्लाई कर दो, इतने पैसे दे दो, लॉटरी है बहुत बड़ी, आपकी लॉटरी निकल आई है इतनी बड़ी, कोई भी आपको ईमेल आती है, कोई भी, आपको सिंपल ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। जिस जहां से ईमेल आ रही है उसको, उसकी वेबसाइट को जो है वो ढूंढना है, उसका ईमेल आईडी देखना है, जिस तरह यहाँ पर मैंने ईमेल ऑफ आईडी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी किसी और कंपनी का आ सकता है, आपने वो देखना है, उनका कॉन्टेक्ट ईमेल देखना है, फिर आपने यहाँ पर जाकर शो ओरिजिनल में जाके उनकी वेबसाइट के यहाँ पे इसमें नाम पढ़ने हैं, नाम ढूंढने हैं, फिर आपको आईडिया हो जाएगा कि वो चीज ओरिजिनल है या फेक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी ईमेल स्कैम से बचने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप इस वीडियो की वजह से आप बच सके होंगे कहीं ना कहीं। बस यही था इस वीडियो के अंदर, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।